गुड मॉर्निंग राधे राधे नमस्ते, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी सब ठीक हैं। मैं निमिषा अहमद आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करी मैं 8:30 बजे से, तभी उठ चुके हैं दोनों बच्चे। मैं तो बहुत पहले उठ गई थी, मैंने नाश्ता बना लिया है, तो अभी ये लोग करेंगे नाश्ता, तो मैं दोनों को करा देती हूँ नाश्ता जल्दी से, फिर दिव्यांश को करूंगी तैयार क्योंकि आज इसका स्कूल, तो ये जाएगा स्कूल में, तो मैं जल्दी से करती हूँ इसको तैयार, फिर मिलती हूँ आप लोगों को तैयार करने के बाद। तो कैसा, मैं भी हुई रेडी और दिव्यांश भी हो गया स्कूल के लिए रेडी, और इसने आज रेड वाली ड्रेस पहनी है। आए भी आ रहा है हमारे पीछे पीछे बॉल पकड़ के। चलो दिव्यांश चलते हैं अब स्कूल। तो कैसे, मैं दिव्यांश को स्कूल छोड़ के तो आ गई हूँ और उसकी मैम ने उसकी चिटकारी भी दे दी आज मेरे को। तभी जाती हूँ जल्दी से घर, फिर दिव्यांश के मामा को कराना है नाश्ता, उसको नाश्ता करा के वो भी जाएगा ड्यूटी के लिए, और उसके पापा भी आए नहीं, अब आएंगे थोड़ी देर में, इसीलिए दुकान गए होंगे तभी आएंगे, तो फिर मिलती हूँ घर पे पहुँच के। तो गाइस दिव्यांश के पापा आ चुके हैं, वो नहा रहे धो रहे हैं और भाई चला गया दुकान को, और मैंने भी झाड़ू पोछा कर लिया है और आई यहाँ पे अपना तैयार हो रहा है, पैंट पहन रहा है, इसके पापा ने बोला मेरे साथ चलेगा तो पैंट पहन रहा है खुद से। मैं भी तैयार होती हूँ, हम भी जाएंगे दुकान, तो मिलती हूँ थोड़ी बार तैयार होने के बाद। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अब मैं जा रही हूँ गुन्नू के पापा के साथ। तो आई और उसके पापा तो निकल गए हैं, तो मैंने लगा दिया ताला, तुम जा रहे हैं अभी दुकान पे। तो गए सब लोग आ चुके हैं अपने शॉप पे दूसरी वाली, ये है जूस की और शेक वगैरह मिलता है यहाँ पे, तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको बाहर से। इसका बोर्ड और यहाँ पे लिखा है, ये भारत बगल में है सूट की दुकान, जूते उत्ते की दुकान है, इसके बगल में है रेस्टोरेंट। तो ये दुकान है हमारी, एड्रेस है इसका साई रोड बद्दी नेवर बाय ESI ऑफिस है यहाँ पे Phase 1 का, तो यहीं पे है ये जूस वाला हमारा आयान सेफ करके, यहाँ पे है जूस और शेक बनाने का सारा सामान, और यहाँ पे फास्ट फूड वाली रेडी भी है जिसमें शाम को लगता है। इसको जुकाम लगा है फिर भी केला खाता है लड़का। एक नू के पापा बना रहे हैं जूस, बना रहे हैं पाइनएप्पल का, आयु के लिए बन रहा है जूस, और ये केला खाने लग गया है। तो बन गया यहाँ पे जूस पाइनएप्पल का आयु के लिए, अब आयु जूस पिएगा। तो गाइस ये आ चुका है हमारा जूस, तो पापा ने इसको अच्छे से फिल कर दिया और डेकोरेट भी कर दिया पाइनएप्पल का एक पीस लगा के। तो हम करते हैं अपना जूस एंजॉय, फिर मिलते हैं आप लोगों को।
आयु ने तो पिया नहीं, मैंने पी लिया सारा जूस, उसको तो पसंद नहीं आ रहा है। तो गाइस आ गए हम शॉप से, अभी अभी पहुंचा के गए हैं इसके पापा। ये बहुत शैतानी कर रहा था उधर, मैंने क्या कहीं शीशे की गिलास है वगैरह, शीशे का जो भी चीज है तोड़ ना दे, इसलिए कांच का चीज तोड़ देगा तो फिर नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा हम रूम पे चले जाते हैं। तो इसके पापा हमको छोड़ के गए हैं, अभी 12 बजे हैं। तो आपको हमारी शॉप कैसी लगी? अगर आप बद्दी में रहते हो तो आप आ सकते हो एक बार हमारे शॉप में, जरूर विजिट करना, वहाँ पे जूस से एक सारी की चीजें मिलती हैं, तो आप आना जरूर एक बार। तो गाइस अभी आयांश को मैं सुलाती हूँ, उसके बाद जाना होगा 12:30 बजे दिव्यांश को स्कूल से लेने, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आयांश को सुलाते सुलाते 12:30 हो गया, मतलब दिव्यांश के स्कूल से लाने का टाइम। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से लेके आती हूँ दिव्यांश के स्कूल से। तो गाइस मैंने ले लिया दिव्यांश को स्कूल से, चला दिव्यांश चलो तो आ दिया बोल स्कूल से। तो हम जा रहे हैं घर, अभी सोया है, जल्दी जल्दी चलते हैं हम घर को, घर पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो गाइस दिव्यांश को लेके घर पहुंचने के बाद मैंने जल्दी से बनाया लंच, क्योंकि मैं लंच बनाई नहीं थी उसी टाइम, तो दुकान से आई थी, फिर दिव्यांश ने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, खेल रहे हैं दोनों। अभी मैंने बिस्तर बाहर डाला था क्योंकि थोड़ा सा गिल्ला हो गया था दिव्यांश आयु का, पैम्पर लीक हो गया था रात में, तो तभी सुखाया। अभी मैंने बिस्तर लगा दिया है, ये दोनों फिर खेलने लग गए बिस्तर के ऊपर, ये देखो। तो मैं आप कराती हूँ लोगों को लंच। गाइस मैं लेके आ गई लंच, लंच में मैंने बनाया है मटर की चटकानी, मटर और भट्टी की चटकानी बनाई है मिक्स करके, और साथ में चावल। तो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से लंच, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। इस खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है आजकल, पता नहीं क्यों इतनी थकान लग रही है। तो आयु तो टीवी देख रहा था, परेशानी करता है लड़का। गुन्नू और मैं सो गए थे, और उसके बाद अभी अभी उठे हैं, तो मैं उठ के तो जल्दी से मैंने अपना ब्लॉग डाला जो मैं 5 बजे डालती हूँ हमेशा, और दिव्यांश हो गया रेडी, दिव्यांश अभी भी उठाया तो उसको भी मैंने रेडी कर दिया है पार्क जाने के लिए। अब हम जाने लग गए हैं पार्क, कल नहीं करते, परसों भी नहीं, परसों तो वीडियो ही नहीं बनाया था मैंने, कल गए नहीं थे, तो आज हम जाते हैं पार्क में, फिर मिलते हैं आप लोग पार्क पहुँच के। तो गए हम लोग पार्क में तो आ गए थे, और बच्चे खेल रहे हैं, और सारे बच्चे एक साइकिल के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, सब रो रहे हैं इधर। अरे आयु देखो बैट बॉल लेके इधर आ गया, इधर खेल रहा है, लाइट के पास ही जाता है लड़का। दिव्यांश बीजी किसी के बल्ले का वो लेके आया है, उसमें डाल रहा है सारा मिट्टी, मिट्टी भर रहा है इसके अंदर। तो गाइस हम लोग आ गए हैं पार्क से, थोड़ी देर पहले आए हैं, फिर मैंने फोन चार्ज में लगा दिया था क्योंकि पार्क में फोन स्विच ऑफ हो गया था, मैं चार्ज करके ले जाना भूल जाती हूँ, फिर पार्क में पहुंचते स्विच ऑफ हो जाता है फोन। थोड़ा सा ही वीडियो बना था पार्क का, और अभी दिव्यांश और मैं छिल रहे हैं मटर, और आयु मटर खा रहा है, हम दोनों छिल रहे हैं तो आयु खा रहा है, तो जल्दी से हम लोग छिल लेते हैं। हम कर रहे हैं डिनर की तैयारी, आज बनाएंगे हम आलू मटर और रोटियां, तो जल्दी से कर लेते हैं मटर छिलने के बाद डिनर की तैयारी, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक मैं लगा लेती हूँ फोन को अच्छे से चार्ज, अभी तो थोड़ा सा हुआ है, फिर अच्छे से हो जाएगा फिर मैं चालू करूंगी। तो गैस बन गया है मेरा डिनर, आलू मटर की सब्जी और रोटियां, ये रही। तो ये रहा दिव्यांश, और ये रहा आयु, अभी अभी उठा है, ये सो गया था पार्क से आने के बाद। तो गैस मैं आयु को, जब मैं सब्जी बना रही तब आयु उठ गया था, तो मैं आयु को सुलाने आई तो मेरी सब्जी जल गई यार थोड़ी सी। तो अभी हम कर लेते हैं डिनर, और उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अब कराती हूँ मैं दिव्यांश को थोड़ी सी पढ़ाई, तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।